शिक्षा के मंदिर के अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा एक घिनौनी करतूत करने का मामला सामने आया है। बता दें कि देई कस्बे के अंदर स्थित बालिका राजकीय विद्यालय के अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा रात को प्रत्येक कमरे के गेट पर मांस और मछली के टुकड़े लटकाने से सवेरे जो विद्यार्थी स्कूल में पहुंचे तो बच्चों में एक बार की उनको देखकर डर सा व्याप्त हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा मामले में आक्रोश जताते हुए देवबांसी मार्ग पर करीब आधे घंटे तक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जाम तक लगा दिया गया। बता दें कि जिस प्रकार शिक्षा के मंदिर के अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी करतूत को अंजाम दिया गया है, तो वहीं बच्चों और ग्रामीणों ने सरकार से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ दे थाने में रिपोर्ट भी पेश की गई है। आज सुबह भाई थोड़ी देर पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ, जब स्कूल स्टाफ और बच्चों द्वारा हमें सूचना मिली कि यहाँ हम स्कूल में पढ़ने आए हैं और यहाँ पर चारों तरफ मांस मछलियाँ हो रही है। हमने यहाँ अगर देखा तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि ये स्कूल के अंदर किसी ने जानबूझकर हर गेट पर आज ये मछलियाँ लटकाई हुई है। आप ये देख सकते हो कितना बुरा वातावरण आज इस स्कूल का बना दिया है। चुनाव आयोग अभी लागू हुए, बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मछलियों को किसी ने जानबूझ कर टाका है, आप ये देख सकते हो। ये देखो ताले पर, हर ताले पर मछलियां लटकी हुई है। इस मैटर को लेकर हम आज यहाँ आए, ये कह सकते हैं या फिर स्कूल स्टाफ के द्वारा अगर कोई दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं वो भी कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसा होता है तो ये गांव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और ये जिसने भी किया है उसको जल्दी से जल्द पकड़ कर सजा मिले। और ये अभी ये बच्चे सफाई करेंगे इसकी या कौन करेगा, अभी तो इसका मामला सामने नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ आया नहीं है अभी तक। यहाँ मामला है जो एग्जाम चल रहे हैं स्टूडेंटों के, और करीब एक घंटे पहले आ गए बच्चे। जाना किसने, मतलब प्रत्येक बच्चे का मच्छे का टुकड़ा लगा रखा है, प्रत्येक किवाड़ के मच्छे का टुकड़ा है, गेट नहीं खोल सकते। इतनी गंदगी कर रखी है, बच्चे कहाँ बैठेंगे, बच्चे पास तक ही नहीं जा सकते। मैडम कहाँ बैठेंगे, मैडम भी मतलब एक कुर्सी निकाल सकते। एक घंटा हो गया, कोई प्रशासन से अपील की है, कोई प्रशासन भी नहीं आया, कोई प्रशासन अधिकारी कोई नहीं आ रहा। अब बच्चे के एग्जाम में कहाँ जाएंगे। आज सुबह 8 बजे बच्चों के स्कूल का टाइम रहता है। इस टाइम पे यहाँ पे बच्चे आए और यहाँ पे आते ही बच्चों ने देखा कि हर ताले पे, कमरे के हर ताले पे, हर गेट पे मरी हुई मच्छियाँ लटकी हुई है। अब इस सिचुएशन में अगर स्कूल के टीचर ताला भी खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे। तालों के साथ साथ मच्छियों के हर जगह टुकड़े पड़े हुए हैं, बरामदे में कोई बैठने की जगह नहीं है। प्रशासन से फोन किए करीब एक डेढ़ घंटा हो गया, अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अवलोकन करने नहीं आया है। इस कारण से हमें रोड पे बैठना पड़ा। मेरी जानकारी में तो अभी है कि कुछ मांस मछलियाँ वगैरह ऐसे किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जानबूझ के की गई या डाली गई बच्चों को, या ऐसा माहौल बनाने के लिए जिससे गाँव का माहौल ख़राब हो, या असामाजिक तत्व बढ़कर या ऐसा करना चाह रहे हैं कि या तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाए या राजनीतिकरण है एक तरह से, और तो क्या बता। उसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। नहीं, अब आया हूँ अभी, मुझे तो जानकारी भी आधे घंटे पहले मिली है, तो स्कूल से अभी आया। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।